और ये जो होमो इरेक्टस, जो होमो हैबिलिस जो थे, इस होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस का फॉर्मेशन होता है। ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स बिफोर ये फॉर्म हुए और इनका ब्रेन कैपेसिटी 1200 सीसी था। ये इरेक्ट स्टैंड कर सकते थे। इनका बॉडी लोकोमोशन, इनकी एक्टिविटीज, और ये फ्यूनरल भी एडॉप्ट करना शुरू किए थे। और ये प्रोबेबली ये नॉन वेजिटेरियन फूड को लेते थे। और ये यहाँ से ये फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ें आती हैं कि ये जला करके खाते थे उसको, फ्रूट जो जानवर मारते थे उसको जला करके फीड करते थे। ये वहाँ से नीएंडरथल मैन फार्म होता है आगे चल करके। लगभग 40,000 सालों पहले ये नीएंडरथल मैन आता है। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 400 सीसी हुआ करती है और ये इसको कहा गया नीएंडरथल मैन, मतलब कि ये पूरी तरह से मैन लाइक था। इसकी बॉडी डेवलप्ड थी और ये अपने फैमिलीज को साथ में लेकर रहता था। ये हाइड अपने रहने के लिए छत भी, एक छप्पर बना के भी रहा करते थे, कुछ गुफाओं में भी रहा करते थे। और ये ओमनीवोरस हैबिट को फीडिंग हैबिट को ये बिलोंग करते थे। वहाँ से क्रोमैग्नन में फार्म होता है जो लगभग 35,000 सालों पहले विकसित हुआ। ये वेल रोबस्ट हुआ करते थे, स्टॉकी बॉडी हुआ करती थी और ये सोसाइटी डेवलप किया करते थे। एक ग्रुप में रहा करते थे ताकि ये दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें, खतरनाक जानवरों से अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1500 सीसी थी। फिर आगे आता है होमो सेपियन सेपियन। ये लगभग 10,000 से 18,000 सालों पहले इसका विकास हुआ है। ये एग्रीकल्चर, ये हाउसेस को बिल्डिंग करते थे, सोसाइटी में रहा करते थे, मैरिज सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट किया और ये सीवर सिस्टम को भी इन्होंने फार्म किया। जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी डेवलपमेंट शुरू होता है, जो ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट शुरू होता है, जो वेल डिफाइंड सिस्टम जो फार्म होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की, वो यहीं पर आ करके ऑलमोस्ट सेचुरेट होती है, क्योंकि यहाँ से ह्यूमन का एडवांसमेंट शुरू होता है। ड्रायोपिथेकस से होमो सेपियन सेपियंस तक तो इवोल्यूशन है, जो कि लगभग 10,000 सालों पहले आकर के ये समाप्त हुआ। यहाँ से एडवांसमेंट शुरू हुआ, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये है ह्यूमन इवोल्यूशन।